Hello, children. Hope you're all doing good. Let's start today's chapter Food and Digestion. Learning objectives the various nutrients in the food and their roles in our body, the process of digestion, the methods of preservation of food. All living things need food to stay alive. Food gives us energy to do various activities, it helps our body grow, it keeps us fit and healthy. food contains useful substances these substances are called nutrients nutrients provide nourishment to our body the main nutrients in the food are carbohydrates fats proteins vitamins and minerals food also contains roughage and water let us learn about the roles of these nutrients in our body सभी लिविंग बीइंग को फूड की जरूरत होती है फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमको फिट एंड हेल्दी रखते हैं फूड में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स राइट ये आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके खाने में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव एनर्जी टू आर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फूड्स लाइक राइस ब्रेड शुगर पोटेटो चॉकलेट स्वीट्स एंड हनी आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी टू आर बॉडी इन फैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स दे ऑल्सो कीप आर बॉडी वार्म ऑयल घी बटर एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ़ फ़ैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल एनर्जी गिविंग फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट आपके मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है राइट right? ये सारे जो फूड आइटम्स हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स फैट से आपको एनर्जी मिलती है इनफैक्ट फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऑयल घी बटर इन सब ये आपके फैट रिच सोर्सेज हैं एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को कहा जाता हैिविंग फूड्स रिमेंबर वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फैट्सिटी आपको बहुत ज्यादा फैट भी नहीं लेना है राइट क्योंकि मोटापा होता है प्रोटीन्स प्रोटीन्स हेल्प अ बॉडी ग्रो दे बिल्ड मसल एंड रिपेयर दिश्यूज यंग चिल्ड्रेन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज दल मीट फिश एग्स पल्सिस मिल्क एंड सोयाबीन आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन रिच फूड आर कॉल बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए चाहिए होते हैं मसल्स को बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं तो यंग चिल्ड्रन यानी जिस एज में आप हैं इस टाइम पर आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है यानी आप लोगों की जो बॉडी होती है इस टाइम पर ग्रोइंग स्टेज पर होती है तो आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के राइट एंड सोयाबीन जो है आपका वो रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन्स का प्रोटीन रिच फूड्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स वाइटमिन्स एंड मिनरल्स वाइटमिन एंड मिनरल्स कीप आर बॉडी हेल्दी दे प्रोटेक्ट अस फ्राम डिसीजे दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ सम मिनरल्स लाइक आयरन इज नीडेड टू फॉर्म ब्लड अर बॉडी नीड्स वाइटमिन एंड मिनरल्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ वाइटमिन एंड मिनरल्स वाइटामस एंड मिनरल्स आर कॉल प्रोटेक्टिव फूड्स वाइटामस एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और इसके अलावा ये हमें बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है इसके अलावा हमारी बोन्स एंड टीथ की ग्रोथ में हेल्प करते हैं कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयन वो ब्लड के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आपके होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं वाइटमिनस एंड मिनरल्स के apart from these nutrients our body also needs a roughage and water roughage has no food value its main function is to move waste through the stomach and throw it out of the body cereals raw vegetables such as carrot radish cabbage and cucumber and fruits are rich sources of roughage water is very important part of our diet water helps in the digestion of food and in maintaining our body temperature about 70% of our body weight is water we should drink 8 to 10 glasses of water every day अच्छा अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को रफेज और वाटर की भी जरूरत होती है रफेज की कोई फूड वैल्यू नहीं होती इसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी से वेस्ट को मूव करना राइट right? जैसे कि स्टमक के थ्रू एंड देन उसको बॉडी से बाहर निकालना आपके जैसे सीरियल्स हैं या रॉ वेजिटेबल्स हैं ये सारे रिच सोर्स होते हैं आपके रफेज के वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड हमारी बॉडी जो है ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट आपका बॉडी वेट वाटर है तो हमें रोजाना आठ से दस ग्लासेस वाटर पीने चाहिए a balanced diet a balanced diet is one that includes all the nutrients carbohydrates fats proteins vitamins minerals roughage and water in the right amount a balanced diet is important for a healthy and active life a balanced diet is appropriate all digestive nutrients appropriate amount mein ho. digestion of food digestion means breaking down of food into simple form inside the body digestion of food begins in the mouth in the mouth the food is chewed with the help of teeth सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन साइड द माउथ द फूड बिकम्स अ पल्प देन टंग पुशेज द फूड इन टू फूड पाइप एंड देन इट गोज इन टू आवर स्टमक डाइजेशन का मतलब होता है फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म में इनसाइड द बॉडी अब डाइजेशन आपका स्टार्ट कहाँ से होता है आपका हमेशा वो माउथ से होता है ठीक है माउथ पे खाने को चबाया जाता है टीथ की हेल्प से देन सलाइवा जो है फूड को सॉफ्ट कर देता है ओके okay, और इसके अलावा ये स्टार्च के डाइजेशन में भी हेल्प करता है इसके बाद माउथ के अंदर आपका फूड एक पल्प बन जाता है देन टंग फूड को पुश करती है फूड पाइप में एंड देन आपके स्टमक में जाता है द स्टमक इज बिग मस्कुलर बाग इन द स्टमक फूड इज चर्न अप एंड मिक्सड विद द जूसेज इज फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक द स्टमक जूसेज कंटेन एंजाइम्स एंड एसिड

इसके बाद एक थिक सूप के रूप में खाना बन जाता है एंड देन वो जाता है कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में the small intestine is a coiled tube about 7 meters long. the food is completely digested in the small intestine with the help of digestive juices secreted from the liver and pancreas. liver secretes bile juice and pancreas secrete pancreatic juice. the walls of the small intestine has many finger-like projections called villi to absorb the important nutrients from the food. these nutrients go into the blood. the blood carries them to different parts of the body. the undigested food goes into the large intestine. it passes out through the anus as solid

फिर ये न्यूट्रिएंट्स आपके जाते हैं ब्लड में ब्लड इनको कैरी करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड देन वो पास हो जाता है एनस के थ्रू कुकिंग ऑफ फूड सम फूड आइटम्स नीड कुकिंग बिफोर वी कैन ईट दैम कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी इट ऑल्सो किल जम्स विच मे कॉज डिसीजेस हाउ एवर समाइम्स एट लॉस्ट वेन फूड इज द टेबल गिवन बिलो शो सम समिशेज एंड द मैथड ऑफ कुकिंग देखिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है उसको पकाने की जरूरत पड़ती है कई कही बार कई कुछ खाना ऐसा होता है जिससे हम रॉ भी खा सकते हैं कुकिंग करके क्या होता Foods, soft हो है फूड्स आपका सॉफ्ट हो जाता है टेस्टी हो जाता है इसके अलावा बहुत सारे जॉम्स हैं वो भी केल हो जाते हैं राइट right? लेकिन कई बार न्यूट्रिएंट आपके लॉस्ट हो जाते हैं अगर हमने खाने को ओवरकुक कर दिया ये आपको एक टेबल दी गई है और उसमें आपको मेथड बताया गया है कि किस तरह से इनको कुक किया जाता है वी ऑल्सो हैर स्पाइसेज टू गिव द फूड सम स्पेशल फ्लेवर द मेन स्पाइसेज आर का्डामोम गार्लिक क्लोव्स जिंजर पेपर एंड सिनेमन स्पाइसेज इन इंडिया ग्रून ऑन अ लार्ज स्केल इन द मालाबा कोस्ट इसके अलावा हम खाने में कुछ स्पाइसिस ऐड करते हैं जिससे कि एक स्पेशल फ्लेवर ऐड हो जाता है तो मेन स्पाइसिस हैं आपके लाइक का्डामोम इलायची गार्लिक आपका लहसुन और आपका क्लोव लॉन्ग जिंजर पेपर एंड सिनेमन ज़्यादातर आपके जो स्पाइस होते हैं ये आपके बोए जाते हैं मालाबा कोस्ट पर प्रेजर्वेशन ऑफ फूड प्रेजर्वेशन मीन्स कीपिंग सम थिंग सेफ फूड कैन भी प्रजर्व इन मेनी वेज वेजिटेबल्स फ्रूट्स अनकोक फूड कैन भी प्रजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर ट्यू नो वाई दिस इज बिकॉज जर्म्स डू नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर विल्क इज बॉयल बिफोर यूजिंग बिकॉज बॉयलिंग किल्स मैनी जर्म्स ठीक है प्रेजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक सेफ रखना वेजिटेबल फ्रूट्स या कोई भी कुक्ड आइटम होता है हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं क्यों क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे नहीं ग्रो कर पाते हैं राइट right? इसी तरह से मिल्क को बॉईल किया जाता है यूज़ करने से पहले क्योंकि बॉइलिंग करने से क्या होगा जितने भी जर्म्स होंगे वह सारे के सारे मर जाएंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्रजर्व फॉर मेनी डेज इवन फॉर मंथ्स इन अ कोल्ड स्टोरेज मीट एंड फिश कैन बी प्रजर्व ड्राइंग एंड सोल्टिंग दैम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी या कई महीनों तक भी उनको रखा जा सकता है सेफ कोल्ड स्टोरेज में इसी तरह से मीट एंड फिश को प्रिजर्व किया जाता है उनको ड्राइंग करके उनको सॉल्टिंग करके सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व बाय पिकलिंग देम वी शुड ऑलवेज यूज़ अ ड्राई स्पून टू टेक आउट पिकल फ्रॉम द जार पिकल गेट अ स्पॉइल्ड इफ अ वेट हैंड और स्पून इज यूज टू प्रिजर्व पिकल फॉर लॉन्ग टाइम वी कैन स्प्रिंकल सम सॉल्ट ओवर इट milk powder raisins and potato chips are preserved by dehydrating them this method is called dehydration dehydration makes food dry by removing water from it इट आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी घर वाले जैसे अचार बनाते हैं पिकलिंग तो ऐसे क्यों करते हैं कि लंबे समय तक तो कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है लंबे समय तक तो उसको प्रिजर्व करके रखना तो जब कभी भी आप प्रकल को यूज़ करते हैं तो हमेशा वेट हैंड ना यूज़ करें ड्राई हैंड या ड्राई स्पून होना चाहिए राइट इससे अगर आपने वेट हैंड का यूज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा वो आपका पिकल खराब हो जाएगा इसके अलावा जैसे मिल्क पाउडर है आपका या होते है, या होते हैं चिप्स इनको प्रिजर्व किया जा इन है? है? है, है, जाता है उनको करके ठीक है 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 इनसे क्या क्या होता 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 में जो प्रोसेस लेटेस्ट रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स वाइटामिन मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स अब बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिय द राइट अमाउंट डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटस्टाइन कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट बैलेंस डाइट आपकी वो थी जिसमें सारे न्यूट्रिय आपके राइट right अमाउंट में हो और फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटस्टाइन में और कुकिंग से फूड आपका टेस्टी हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है एंड ईजी टू डाइजेस्ट चिल्ड्रेन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे